बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज दोस्तों अमरेली स्टील लिमिटेड का थोड़ा सा हम जायज़ा लेंगे। उससे पहले हम देखते हैं KC100 इंडेक्स को कि उसकी क्या पोजीशन है। तो KC100 माशाल्लाह बहुत ही अच्छी पोजीशन पे जा रहा है, 48,000 प्लस पे है। और अगर आप इस ज़िगज़ैग जो हमने यहाँ पे इंडिकेटर लगाया है उसको देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको नज़र आएगा कि ये लाइन और ये लाइन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। और ये सारा पैटर्न जो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये पैटर्न सिमिलर है। और अब एक्सपेक्टेड लाइन जो है एज़ पर ज़िगज़ैग में मुझे ये नज़र आ रही है कि ये जनाब 39,300 ऑलमोस्ट 400 से मूव किया था ऑलमोस्ट 47,000 समथिंग पे। तो तकरीबन 8,000 रुपये से डाले थे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम इसी तरह 8,000 का प्लस करें तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह मार्केट जो है 50,000 क्रॉस करेगी। लेकिन इसमें बहुत से इफ़ एंड बट्स हैं, वो हम देखेंगे आगे। न्यूज़ पे डिपेंड करेगा। पाकिस्तान ये जो क्रूड ऑयल है 70 के अराउंड चल रहा है और इन्फ्लेशन बड़ा हाई चल रहा है, तो ये नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं हमने स्क्रिप्ट की तरफ। अमरेली स्टील जो है ये डाटा पोर्टल है पाकिस्तान PSX की वेबसाइट का। तो ये आज 47.56 रुपये पे है, इसकी प्राइस अवेलेबल है। इसका हम चार्ट देखते हैं तो ये इसके साथ साथ आपको वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं। तो 1 मंथ के चार्ट पे इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है और अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है ये इस टाइम 47 प्लस पे खड़ा है। इसकी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप 3 ईयर्स का भी चार्ट देख सकते हैं कि 3 ईयर्स में इसने माशाल्लाह तकरीबन 80 रुपये लगाए हुए हैं, अगस्त 9, 2018 में। और अगर आप इससे भी बड़े इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो 5 ईयर्स का चार्ट हम इसका देखते हैं तो इसमें ज़बरदस्त किस्म के इसने यहाँ पे एक हाई लगाया हुआ है ऑलमोस्ट 130 प्लस का। तो 130 प्लस का जो इसने लगाया था ये तकरीबन लगाया था मई 2017 में, और ये 25 मई 2017 तो इंडेक्स अपने हाई पे इसने टच किया था 53,000 का, और ये अभी भी उसी तरफ गामजन है। तो अगर इसके जो रिजल्ट्स हैं हम देखेंगे कि तो इस दौरान में इसके रिजल्ट्स क्या थे, अगर वो रिजल्ट्स इसके मैच कर गए आज के दौर में तो ये वाला हाई भी लग सकता है। तो इसके हम थोड़े से EPS का जायज़ा लेंगे। इसके जो फाइनेंशियल्स हैं एनुअली आप देखें तो 2017 में इसने 3.62 रुपये का EPS दिया था, फिर 2018 में 5.34 रुपये का, यहाँ पे ये डिक्लाइन में आया है 2019, और ये 2020 में तो ये लॉस में चला गया क्योंकि कोविड आ गया था, उसकी वजह से सब बिजनेस जो हैं वो बुरी तरह जो है वो पिटे हैं। क्वार्टरलीज का जायज़ा लें कि ये किस तरह ग्रो कर रही है कंपनी। तो यहाँ से 1.26 रुपये लॉस से ये गए हैं 37 पैसे प्रॉफिट में, फिर 1.05 रुपये प्रॉफिट में, फिर 1.69 रुपये के प्रॉफिट में। तो ये एक बहुत ही एक अच्छी और प्लस चीज़ है अमरेली की कि ये बहुत तेज़ी से अपने प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। और अगर आप इसके थर्ड क्वार्टर का प्रॉफिट देखें तो ये बहुत ज़बरदस्त है। आज की वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह हम अब इसका दो और स्क्रिप्ट हैं उनके साथ एक कंपैरिजन भी करेंगे, देखेंगे कौन सा अट्रैक्टिव है, तो वो भी हम देखेंगे। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हम देखेंगे इसकी। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि फंडामेंटली जो स्टॉक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अवेलेबल है, बहुत ऊपर जा सकता है। इसकी एक रिपोर्ट आई है AKD की रिसर्च रिपोर्ट, इसको थोड़ा सा अगर जायज़ा लें तो इसकी जो रिपोर्ट कहती है कि ये डायमर बैश डैम की में फ्रेम में दाखिल हो चुका है। तो उन्होंने यहाँ पे अगर आप देखें बाई कॉल जनरेट की हुई है और टारगेट प्राइस जो रखी है इन्होंने वो 68 रुपीस है, जो कि 46% का इजाफा है। तो ये रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, AKD की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इसमें इन्होंने इसकी प्राइस रखी है 68, और उसमें रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं बड़ी अहम होती हैं, इनको पढ़ा करें।
इससे एक आपका माइंडसेट बनता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वरना आप एक एक दो दो रुपए के पीछे भागते रहेंगे और इस मार्केट में एक दो रुपए कमाने से आप सिर्फ अपनी एनर्जी ज़ाया करेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आज दो कमाएंगे, कल चार कमाएंगे। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करें, स्ट्रेटजी बनाएं, पोर्टफोलियो बनाएं और एक तरीके के साथ, सुकून के साथ इन्वेस्टमेंट करें। ये ना हो कि आप सड़क पे चल रहे हैं, ऑफिस में छुप छुप के आप जनाब और अपने स्टॉक्स देख रहे हैं, और या हर टाइम घर में आपके सामने मोबाइल है और सारे आपसे तंग हैं कि ये बंदा जो है ना, ये तो बड़ा नशे ही हो गया है और कमाता भी कुछ नहीं है और सारा दिल लगा रहता है। ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। सिचुएशन ये होनी चाहिए आप कूल एंड काम हो, प्राइसेस किधर जा रही हैं, आपको इससे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आप जो भी चीज़ें सेल कर रहे हैं उनका भी पोर्टफोलियो बनाएं और देखें कि जो आपने चीज़ सेल कर दी है उसको आप देखते ही नहीं हो। आप महीने दो महीने बाद देखते हो तो वो या तो बहुत ऊपर चली जाती है या नीचे चली जाती है, और जो अगर बुल मार्केट है तो इतना ऊपर जाती है कि फिर आपको धचका ही लगता है कि यार मैं सारा दिन मोबाइल भी देखता हूँ, ट्रेड स्क्रीन भी देखता हूँ, और जो मैं चीज़ ले रहा हूँ वो तो इतनी ऊपर नहीं गई है, लेकिन जो मैंने चीज़ बेची है वो देखो कहाँ चली गई है। उसका एक रीज़न है कि आप जब जो चीज़ स्टॉक परचेज कर लेते हैं तो आप उसको इतना देखते हैं, इतना देखते हैं कि आप खुद तंग आ जाते हैं स्टॉक से। तो ये उस स्टॉक को खुला छोड़ें, उसको आज़ादी से घूमने दें, वो ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो बुल मार्केट में बहुत ऊपर जाने वाला है। सुकून से काम करें, सेलिंग बाइंग करें, लेवल्स में करें, थोड़ा सा सेल कर दें, थोड़ा सा बाई कर लें, स्विंग ट्रेडिंग करें, लेकिन ये जो बल्क में ट्रेडिंग है ये बहुत नुकसानदेह है, मेंटल प्रेशर क्रिएट करती है, सुकून नहीं देती है आपको। तो आप अपना जो सुकून है उसको तलाश करें, पैसा आपको तलाश करेगा, ये यकीन रखें। स्टॉक मार्केट में सुकून से, ठंडे मिजाज से आप काम करेंगे तो पैसा आपके पीछे भागेगा, जो आपको मिलना है वो आपको मिलेगा। तो ये थी इसकी रिसर्च रिपोर्ट, और इसके मुताबिक जो है AKD जो है इसकी हमें जो प्राइस दे रहा है वो 68 दे रहा है, और कब दे रहा है, ये दिसंबर के एंड पे दे रहा है। इसके लिए आपको तकरीबन 6 महीने का वेट भी करना पड़ सकता है। ये जो प्राइस होती है ये याद रखें कि ये रिसर्च हाउस की एक स्पेकुलेशन होती है, गारंटीड नहीं होती है। कोई भी जो इवेंट्स हैं आने वाले, कोई न्यूज़ हैं, कोई टैक्स पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, या कॉम्पिटिशन्स हैं, या इनकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, या इंटरेस्ट रेट्स हैं, जब वो चेंज होंगे कोई भी, ये इसके समझ लें कि गाड़ी को चलाने वाले पहिए हैं, इनमें से किसी भी पहिए की अगर हवा निकल गई ना तो फिर ये टारगेट प्राइस जो है ये एक खाब बन के रह जाती है। तो इसलिए अगर आप लेवल वाइज भी सेल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप सारे स्टॉक्स का 68 के लिए वेट करें। तो ये थे इसके फाइनेंशियल्स भी हमने देख लिए, इसकी प्राइस भी देख ली, इसके चार्ट्स भी देखो से देख लिए हमने। अब इसकी एक अहम चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जब आप इसके डाटा पोर्टल पे खोलते हैं तो इसके अगर आप नीचे जाएं तो यहाँ पे इसकी सारी रिपोर्ट्स भी पड़ी होती हैं, जो जो कंपनी ने स्टॉक इसकी PSX को जो लेटर जारी करती है तो सारे पड़े होते हैं। इसमें इसके रिजल्ट्स होंगे, इसमें इसकी अगर कोई डायरेक्टर सेलर बाई करता है वो आएगा, या इनकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आती है तो वो आएगी, या इनकी कोई न्यूज़ आती है तो ये यहाँ पे लेटर फॉरन लिखते हैं। और ये पॉलिसी है PSX की कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो अपना जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले इस वेबसाइट पे दें, ताकि तमाम शेयर होल्डर को एक मसावी कंपटीशन मिले, किसी को एज ना मिले। और इनसाइड ट्रेडिंग यही होती है कि कंपनी की जो असल बातें हैं, जैसे ये कंपनी के अंदर कोई क्लर्क्स होंगे, कोई इसके इवेंट के मालिक होंगे, या डायरेक्टर्स होंगे, या इसके काम करने वाले होंगे, अगर वो किसी बड़े इन्वेस्टर के साथ और किसी के तल्लुकात हैं जो कि होते हैं, तो वो यकीनी तौर पे उनको अपनी खबरें लीक करते हैं कि ये जो कंपनी है अब ये करने वाली है, ये करने वाली, इसका जो मादा हो गया है, PSX को लेटर जाने वाला है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसकी प्राइस में एक सर्ज आ जाता है, बढ़ना शुरू हो जाती है। आम इन्वेस्टर को नहीं पता चलता, वो समझता कि ये सब सट्टा हो रहा है, वो प्राइस हफ्ता दो हफ्ते महीना बढ़ती रहती है। और फिर जब वो न्यूज़ आती है तब आम इन्वेस्टर उसके अंदर कूद जाते हैं, चलो जी ले लो, लव माल होता है उसके अंदर। जब लव माल होता है तो वो बंदा जिसने ये खबर पहले से पता होती है वो अपना माल सेल कर देता है।
क्योंकि उस टाइम ठीक ठाक बाइंग प्रेशर आता है। चलते हैं तो इस रिपोर्ट को हम थोड़ा सा इसका जायज़ा लेंगे। अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप उसकी लास्ट क्वार्टर रिपोर्ट हल्की फुल्की 5-10 मिनट के लिए पढ़ लिया करें। ये आप यहाँ पे अगर PDF पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी, तो ये मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, इसको हम देखते हैं। ये जो रिपोर्ट्स हैं ये पहले हमें बुक्स की शक्ल में घरों पर डिलीवर होती थी, फिर इन्होंने ये काम CD की शक्ल में शुरू कर दिया और अब CD भी ख़त्म कर दिया है। और ये PSX की वेबसाइट पे कंपलसरी है कि हर जो लिस्टेड कंपनी है वो अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट यहीं पे पब्लिश कर दिया करे, और जिसने वो पढ़नी है वो यहीं से उसका प्रिंट ले सकता है या डिजिटली इसको यहाँ से पढ़ सकता है। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, इसको आप एक नज़र देखा करें। इसमें जो अहम बातें होती हैं वो आपने जो देखनी हैं, एक तो इसके रिजल्ट्स का थोड़ा सा जायज़ा ले लें, इसकी सेल्स क्या हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, प्रॉफिट्स क्या हैं, दो तीन चीज़ें ये देख लें, और देखें कि कंपनी ने इन्वेस्ट कहाँ कहाँ किया हुआ है। ये बड़े इंपॉर्टेंट होती है, अगर कंपनी ने किसी फर्दर कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप उस कंपनी को नोट कर लें। उसमें फ़ायदा ये होता है कि जब उस कंपनी के रेट्स, स्टॉक प्राइस बढ़ना शुरू होगी तो जो उसकी पेरेंट कंपनी होगी या जिसने उसमें इन्वेस्ट किया होता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अब इसको भी फ़ायदा हो रहा है। जैसे GGL कंपनी है, उसके पास 50% होल्डिंग है GGGL की, तो जब GGL की अच्छी न्यूज़ आएगी या उसकी स्टॉक प्राइस अच्छा बढ़ेगी तो GGL की प्राइस लाजमी तौर पे बढ़ेगी। तो इसको हम देखते हैं, ये सारी कंपनी इन्फॉर्मेशन है, ये सारे पेज अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ सकते हैं। इसमें कंपनी के जो ऑडिटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने कंप्लीट अपनी एक पिक्चर पेश किया है कि हमारी कंपनी क्या कर रही है, क्या करने वाली है, क्या हालात हैं, फ्यूचर क्या हैं, पास्ट में क्या हुआ है। ये इनकी इंटरम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन है, इसमें इसके एसेट्स लिखे हुए हैं, प्रॉपर्टी प्लांट वगैरह के क्या एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हैं, डिपॉजिट्स क्या हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। बाकी इसकी ये इसके रिजल्ट्स हैं, स्टेटमेंट है, इसको आप देखा करें। जैसे इसकी सेल्स लिखी हुई हैं तो आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले इसने कोई 7 मिलियन की सेल्स की हैं क्वार्टर में, तो इस क्वार्टर में इसकी कोई 21 मिलियन की सेल्स हो गई हैं। तो अगर सेल्स बढ़ रही हैं और उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो रही है तो ये दोनों चीज़ें कंपनी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे में जाती हैं। अगर आपके पास इतना टाइम ना हो तो कम से कम ये देख लिया करें कि इसने पिछले क्वार्टर में 1.26 रुपये लॉस किया था, और ये देखते हैं क्वार्टर एंडेड पिछली 31 मार्च 2021 में इसने 1.69 रुपये का, जैसे हमने वहाँ देखा था, प्रॉफिट कमाया है इस क्वार्टर में, और जो 9 मंथ्स में टोटल इसका प्रॉफिट हो चुका है वो 3.12 रुपये हो चुका है। ठीक हो गया, ये आपने ये चीज़ आपने मैच करनी है अब इस चीज़ से। ये हमने इसका चार्ट खोला था तो हमने देखा था 2017 में, ठीक है, ये आपके पास 5 ईयर का खुला हुआ है, 136 रुपये का स्टॉक है, 136 रुपये का 2017 में। क्या EPS है इसकी? EPS इसकी है, इसकी ये एनुअल आ गया, ये 2017 आ गया, 3.62 रुपये, 3.62 रुपये। अब क्या है, वो साल की है, ये 9 महीने की है, 3.12 रुपये। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इस स्टॉक में कितना पोटेंशियल है। ये जो EPS है ये उस EPS है जब उसकी प्राइस 136 रुपये थी, उससे ज़्यादा है। ये पॉइंट नोट करें आप। चलें जी, इसका नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने इसका थोड़ा सा ये ग्राफ भी देख लेते हैं टेक्निकली कि ये क्या कहता है। इसमें आप किसी 100 की जगह इंडेक्स की जगह पे लिखेंगे ASTR, तो इस पर जिक्र पहले लगा हुआ है, तो ये ला के जनाब, तो ये देखें जनाब अली, यहाँ पे इसकी प्राइस जो है वो पहले 54 लगा चुका है ये, फिर इसने स्टीप लगाया 38 का, फिर ये ऊपर गया 46 पे, फिर ये नीचे आया 37, तो 37-38 इसकी बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे तो इसने उसको भी ब्रेक किया था, 36 तकरीबन आया था, और जिन्होंने वहाँ पे इसको परचेज किया है दे आर इंजॉइंग द राइड, ज़बरदस्त राइड आ रही है। तो देखते हैं ये कितना हाई लगाता है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है स्टॉक में। अब हम तीन स्टॉक्स का थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। ये हमारे पास है जना पहले कंपैरिजन 7 जून 2021, ये आज ही फ्रेश कंपैरिजन
अवेलेबल है आगा की आज की प्राइस मुगल की अमरेली गैस आपके सामने है, बीटा आपके सामने है, सबसे अच्छा बीटा मुगल और एस्टियर का है, यानी कि ये वोलाटाइल हैं, ऊपर नीचे ज़्यादा होते हैं, अगर आप इसमें लेवल्स में बाय सेल करेंगे अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं, डे ट्रेडिंग के लिए भी अच्छे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छे हैं। 52 वीक लो और हाई देख सकते हैं आपके इस टाइम जो मुगल है वो अपने हाई के बहुत क्लोज है, अमरेली अपने हाई के क्लोज चला गया है, आगा अपने हाई से अभी भी काफ़ी दूर है, तो लो हाई के हिसाब से इस टाइम सबसे अट्रैक्टिव जो स्टॉक है वो आगा है। फेयर वैल्यू के हवाले से हम देखेंगे तो आगा जो है वो उसकी फेयर वैल्यू अच्छी नहीं है, मुगल की बहुत अच्छी है, अपनी फेयर वैल्यू के से ऊपर ट्रेड कर रहा है, अमरेली भी अपनी फेयर वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस सेक्टर की जो पीई है वो 6 है ऑलमोस्ट, उस लिहाज से देखें तो तीनों स्टॉक अपने सेक्टर की पीई से ऊपर मूव कर रहे हैं, और इसमें सबसे अट्रैक्टिव पी 6.5 के साथ मुगल पहले नंबर पर जा रहा है, अमरेली भी अच्छा है लेकिन आगा की अभी पी इतनी अच्छी नहीं है, देखते हैं इसका नेक्स्ट रिजल्ट कैसा आता है। बुक वैल्यू के लिहाज से देखें तो जैसा कि मैंने बताया था कि बुक वैल्यू को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको उसके प्राइस से अंदाज़ा कर सकते हैं, तो बुक वैल्यू के लिहाज से इसका बनता है 39 प्राइस बनती है आगा की, जो कि अपनी फेयर वैल्यू से बुक वैल्यू के लिहाज से नीचे है, अट्रैक्टिव लेवल है। मुगल को देखें तो 65, ये अपने थोड़ा सा ऊपर है, अमरेली को देखें तो ये नीचे है, तो आगा और अमरेली जो है बुक वैल्यू के लिहाज से एक अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल हैं। डिविडेंड जील जो है मुगल और एस्टेर के ऑलमोस्ट सेम सेम है, 5-6% ये दे देते हैं, और मुगल ने तो इस बार आई थिंक बोनस या राइट शेयर भी दिए थे। जो इन तीनों सेक्टर में सबसे ख़तरनाक बात है वो है इनका टोटल डेब्ट टू एसेट्स, दिस इज़ वेरी डेंजरस, तीनों 60 के अराउंड है, प्लस में हैं, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन जो है इनके लिए एक मतलब बहुत ही बुरी खबर होगी, तो ये इनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ये था हमारा आज का जायज़ा अमरेली स्टील का, इसमें आपको ये जायज़ा कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।